नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मुकेश जाट आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स जो आ रहे हैं रिजल्ट को लेके कि एटीएम बीटीएम का रिजल्ट कब आएगा, आरयू की ज्वाइनिंग कब होगी, एमपीटेट ट्राइबल विभाग कब अपनी ज्वाइनिंग देगा और अपनी वेटिंग क्लियर करेगा। इन सब बातों के कारण मुझे आपके पास वापिस एक बार ये जानकारी लेकर आना पड़ा और बताना पड़ रहा है कि आपके लिए एक और बहुत अच्छी खुशखबरी है। किसके लिए? जिसका आरयू एसएडीओ एमपीटेट में नहीं हुआ है और वो एटीएम बीटीएम का इंतजार कर रहे हैं। तो एटीएम बीटीएम का जो इंतजार कर रहे हैं उस पर मैं बात करने वाला हूं, आरयू की वेटिंग लिस्ट पे मैं बात करता हूं और एमपीटेट के तीन मुद्दों पे हम लेकर आज बात करेंगे। और आप ये समझिए, सरकार जो है आपके साथ सकारात्मक है, लेकिन सरकार कुछ मुद्दे सुलझाने के चक्कर में है और उससे आपका फायदा होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि देर ही सही पर अच्छा हो। क्या है? देर ही सही पर अच्छा है। क्या अच्छा है ये देखेंगे भाई। एग्रीकल्चर में एटीएम बीटीएम की ज्वाइनिंग को लेके मध्य प्रदेश में बच्चे ये सोच रहे हैं कि कब होगी, तो जल्दी हो जाएगी। या तो हो सकता है आने वाले सोमवार के दिन, क्योंकि हमारी टीम के तीन दल वहां पर जब गए, उन तीन दलों के द्वारा जानकारी ली गई और ये बताया गया वहां के अधिकारी विभागीय तौर पर जो हमें जानकारी मिली उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि भैया एटीएम बीटीएम जो पुराने लोग छोड़ चुके हैं, जिन लोगों ने एटीएम बीटीएम छोड़ के आरयू एसएडीओ में ज्वाइन किया है, उनके पद भी इसमें ऐड करके आपको दिए जा रहे हैं। तो देरी है पर अच्छा है। चाहे थोड़ा सा देर हो रही है, लेकिन अगर जल्दी हो जाते तो ये हमारे पद ऐड नहीं होते। यानी हमको कम से कम अंदाजा है कि 250 पद ऐड होंगे। कितने? 250 पद ऐड होंगे। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट, मेरे साथी, मेरे बैचमेट जो मुझसे पढ़े हैं या मेरे पास वो गाइडलाइन में रहे हैं या कुछ भी, उनको मेरे द्वारा जो भी सहायता दी गई है उसमें मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग एटीएम बीटीएम छोड़कर कहां ज्वाइन कर चुके हैं, बैंक ज्वाइन कर चुके हैं, आरयू एसएडीओ ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो पद जो है उन खाली पदों को भी इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। इससे आप लोगों का फायदा है। मैंने कहा ना, देर ही सही पर अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहां पर अगर एटीएम बीटीएम में हमें ये पद ऐड हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी इसमें ज्वाइनिंग ले पाएंगे। और एक बात जो मैं इसके साथ अगली करने वाला हूं, एटीएम बीटीएम के साथ अगली स्लाइड में हम करेंगे। अभी आप ये समझे कि एटीएम बीटीएम में आपके 250 पद ऐड होके आएंगे, ये विभाग से जानकारी दी है। उनका कहना है कि भाई हम कुछ प्रोसेस, कुछ पद खाली पड़े तो हम सोच रहे हैं उस पर भी हम कार्रवाई करके और उसको भी हम फिलअप कर लें। तो वो सकारात्मक सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। और आपका रिजल्ट की बात है तो या तो आपका रिजल्ट सोमवार के दिन आने वाला, जो नेक्स्ट सोमवार है उस दिन, या इस जुलाई में, जो जुलाई चल रहा है, इस जुलाई के एंड तक आपकी ज्वाइनिंग का आ जाएगा। ठीक है, ये एटीएम बीटीएम की बात, घबराए नहीं, कोई टेंशन ना ले, आराम से सब कुछ होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आपके दिल में बेचैनी, आपके मन में बेचैनी है कि कब ज्वाइनिंग होगी। सरकार के हिसाब से काम करेगी और आपको ज्वाइनिंग देगी। नेक्स्ट देखते हैं आरयू वेटिंग के विषय में। तो भैया आरयू की जो वेटिंग है उनका कहना है कि आरयू की जो वेटिंग है वो एटीएम बीटीएम के साथ बुलाएंगे। ऐसा ना हो कि अगर एटीएम बीटीएम अगर बुला लिए, उन्होंने ये पद फिल कर दिए, उनकी वेटिंग क्लियर हो गई तो वो छोड़ के फिर यहां से चले जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं चाहते। उनका कहना है कि हम हमारे मैक्सिमम पद भरना चाहते हैं, बीच में कोई छोड़ के ना जाए। तो इन दोनों को, आरयू की वेटिंग वालों को और एटीएम बीटीएम वालों को, वो साथ बुलाएंगे। जिससे क्या होगा, जिसका यहां पे वेटिंग क्लियर होगी आरयू में, वो यहीं पे जाएगा, वो यहां पर नहीं जाएगा, या उसे यहां जाना है तो वो यहां नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो उनका कहना है कि भाई हम इनकी जो वेटिंग है
और आरियो वालों को की जो बैटिंग है और एटीएम बीटीएम की हम लगभग लगभग साथ में बुलाएंगे, तो ये भी अच्छी खबर है। ये हो गई हमारी दो बात। नेक्स्ट पे चलते हैं हम एमपी टेट के विषय में। तो एमपी टेट के विषय में विभागीय रूप से जानकारी हो गई है कि भैया एक माह के अंदर यह काम करना है। क्या है? एक माह के अंदर जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उनको एक माह के अंदर ज्वाइनिंग देने की तैयारी है। लेकिन अटकलें कहां आ रही है, कहां दिक्कत आ रही? आपको लगता है कि नहीं हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, लेकिन विभाग वालों से पूछो, उनसे पूछो, उनकी भी कुछ समस्या है। वो भी क्यों परेशान है? क्योंकि उनको क्या करना है, अभी प्रमोशन की लिस्ट क्या आएगी, प्रमोशन की लिस्ट वहां पर अटकी पड़ी है। तो कुछ लोगों के, कुछ जो पुराने टीचर है उनके प्रमोशन होंगे और उसके बेसिस पे वो आप लोगों को भी साथ में पहुंचा देंगे। तो यहां भी एक माह का बोला गया है, एक माह में यानी कि जुलाई के, जुलाई महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। आरियो की रेटिंग हुई, चाहे एमपी, चाहे एटीएम बीटीएम का रिजल्ट हुआ, चाहे एम्पिटेट हुई। अब रही बात क्या, इसमें दो विभाग है, एक तो डीपीआई विभाग है जिसने अपनी काउंसलिंग कर चुके हैं, यानी कि लगभग लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब विभाग बचा है ट्राइबल विभाग। अब ट्राइबल विभाग भी आपको ट्राइबल विभाग के पास जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उनसे पूछना पड़ेगा कि भैया कब तक आप हमारी ज्वाइनिंग दे रहे हो, तब जाकर वो आपको एक्चुअल जानकारी, और जैसे ही कोई जानकारी हमको मिलेगी हम आपको ये जानकारी देंगे। और मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं क्योंकि आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर क्या होगा। आराम से आप, मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम आप जुलाई तक और थोड़ा सा शांति से आप बैठे, आराम से बैठे, लेकिन विभाग तक जाते रहे कि भैया क्या हो रहा है, कब तक ज्वाइनिंग है, क्योंकि हम ज्यादा भी परेशान करेंगे तो वो लोग भी परेशान होंगे, उनको उनके विभागीय तौर पर काम करना है, प्रमोशन देना है, उन लोगों को पहुंचाना है, ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर वालों को भी पहुंचाना है, प्रमोशन वालों को पहुंचाना है, तब जाकर वो तुम्हारा नंबर लगाएंगे। ऐसा थोड़ी कि तुमको पहुंचा देंगे पहले, ट्रांसफर वालों को पहले प्राथमिकता उधर देंगे, प्रमोशन वालों को भी प्रमोशन देना पड़ेगा, मजबूरी है भैया वहां पे भी, तो प्रमोशन देंगे, इसके बाद में आपका काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, ये तीन जानकारी के लिए मैं आपके पास आया था। आप धन्यवाद सभी को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कर भला तो हो भला, तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें जो ये रेड ट्रेड में बैठे हुए हैं कि भाई क्या होने वाला है, आपको आरियो, एटीएम, बीटीएम और एमपीटेट एग्रीकल्चर, यहां मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल ओनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट की, किसकी, ओनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक इसे शेयर करें और वहां तक पहुंचाए जहां वह विद्यार्थी वेट कर रहा है, डिप्रेशन में ना जाए, सब अच्छा होगा। और एक बात भी बता दूं, आपकी लैब टेक्नीशियन की भी पद, लैब जो है ना, लैब से रिलेटेड पद आते हैं, उससे रिलेटेड पद भी अभी तो नहीं दिए रखे उसमें क्लियर, लेकिन आ सकते भैया, बीच में भी कैलेंडर चेंज हो सकता है, कई बार हमने देखा कैलेंडर चेंज हुआ है, बीच में भी कैलेंडर चेंज हो सकता है। और इसके बाद में आपके 50 पद जो है एडीए के, 50 पद एडीए के, लगभग 48 से 50 पद एडीए पे भी आने वाले हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट भर्ती जब भी होगी 2 ईयर के अंदर, 2 साल के बाद या 2 साल के लगभग समय लगेगा, तो यहां पर भी आपकी एमपी टेट के 400 पद फिर आएंगे। तो आप आज ही तैयारी करने लग जाएं, क्योंकि उस समय तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिशन अब बढ़ चुका है आप जानते हैं, तो तैयारी करें। और जो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे जूनियर, मेरे प्रिजन, जो भी मेरे साथी है, वह थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और अच्छे से मिलेगा। और एटीएम बीटीएम में अगर पद की वृद्धि हो रही है, जिन्होंने पुराने आरियो, पुराने एटीएम बीटीएम में आरियो, एसएडीओ या बैंक ज्वाइन किए, कोई दूसरी जॉब ज्वाइन किए, उन पदों को भी फिल कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा मेरे लिए यहां पर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।